मूर्त आसक्ति विषयों की वासना भ्रम भ्रम करना एक काल का जाल है। तो काल के जाल में फंसकर के व्यक्ति बहुत दुखी होता है। काम के वशीभूत जो व्यक्ति होता है बहुत दुखी होता है। कोल के वशीभूत होकर के अपने बहुत बड़े बड़े काम जोड़ जाते हैं उसके। इसी प्रकार काम को भय इनमें फंसकर के जीव को बहुत दुख पाने पड़ते हैं। तो ये जो है काल की पूरी है। तो काल की पूजा क्यों होती है? राग वश होती है। संसार में हमको हमारा राग है, उस राग से हम दुखी होते हैं। जैसे आपका राग है किसी संसार के अंदर, आप यहां बड़े शांति से पूरे बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि आप उसे प्रिय से प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, आपके अंदर अशांति आ जाएगी, आप दौड़ के मर जाएंगे। कर तो कुछ ही सकते, जो होगा वही होगा, पर हमारे अंदर वो राग है, राग के वसीले हम दौड़ के जाएंगे। और तो जितनी भी पीड़ाएं हमारी है राग वश है, संसार में हमारा राग है, उस राग में हम पछते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, बिलबिलाते हैं। इस राग के कारण महाराज दशरथ ने पुत्र रोग में प्राण त्याग दिए राग के कारण। तो इसी प्रकार से सर्वदेव इस बात को समझा रहे हैं कि ये मोह भी काल बन सकता है, क्रोध भी काल बन सकता है। तो इनका जो त्याग कर सकता है कि जब राग न हो, राग रहित हमारा जीवन होना चाहिए। राग युक्त जीवन होगा तो हम दुखी होंगे, संसार में दुख रो रो करके मरेंगे राग के कारण। तो राग को पढ़ करके हम वैराग्य पूर्ण हमारा जीवन होना चाहिए। यदि हमारे अंदर वैराग हुआ, राग उठ जाएगा, तो काल की पूरा हमको नहीं सताएगी, क्योंकि राग के अंदर ही काल है। संसार का राग ही मृत्यु धर्म है। और यदि संसार का राग हमने छोड़ दिया तो मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की मृत्यु होगी, यह हानि होगी, ऐसा लाभ है, उसमें हम घबराते हैं। और वैराग्य हो गया तो आप